नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक शेल फील्ड का कुकटॉप है, उसमें फॉल्ट यह है कि पावर ऑन करते हैं जब हम, तो वोल्टेज तो शो करता है लेकिन गर्म नहीं होता है और ना कोई एरर आता है। तो इस तरह की फॉल्ट को हम किस प्रकार से दूर करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कुकटॉप को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम इसमें काम करते हैं। तो ये कुकटॉप मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके जल्दी से इसके कॉइल के स्क्रू को खोल लेते हैं, मदरबोर्ड हम अलग निकाल लेंगे। चूँकि डिस्प्ले सही है इसलिए इसकी मेन बोर्ड है वही ख़राब है। अब उसमें देखते हैं कि क्या बात है। ये मैं इसके सॉकेट अलग कर लेता हूँ, कॉइल खोल लेता हूँ, सभी इसको खोल लेता हूँ और बहुत ही सावधानी से देखते हैं। काफ़ी इधर उधर चेक करने के बाद यहाँ पर 4 MFD का लगा हुआ कंडेंसर ये फूला हुआ नज़र आ रहा है। इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 4 MFD का एक कंडेंसर लेकर सोल्डर कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुकटॉप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कंडेंसर लग गया है और इसे हम इसके बोर्ड को कॉइल को लगा करके और अब इसे हम चेक करते हैं। अब इसे हम पावर देते हैं और इस पर हम पॉड रखते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं और ऑन करते हैं। ये 1300 वोल्ट पर है और पानी गर्म होने लगा है, इससे कन्फर्म है कि ये कंडेंसर की फॉल्ट थी जो अब रिमूव हो चुकी है। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं कोई एक अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।